हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम सभी का हमारे एक और नई वीडियो में है। वीडियो बहुत ज़्यादा देरी में आ रही है, पर अभी के टाइम पे बहुत ही सारे बंदों का जियो का इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली जिन जिनका 5G फोन है उनका भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो सारा चीज़ बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, आपको सुझाव बताने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करोगे तो आपका 101% मैं गारंटी देता हूँ आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम जो जियो का है, फ्री फायर को लेके या फिर कोई दूसरा भी गेम को लेके या फिर अपने फ़ोन का इंटरनेट को यूज़ करने के टाइम पर भी सारा कुछ सही होने वाली है। तो भाई वीडियो पूरा अंत ही देखना, और भाई वीडियो में जो भी पहली बार आए हो, देखो हमारे चैनल पर ऐसे ही यूजफुल एंड मज़ेदार वीडियो आती रहती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी अपने गेम की खेलने की जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है। और भाई जिन जिन का 5G फोन है वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको यूज करके लिटरली हर एक 5G बंदों का जिन्हों का भी इंटरनेट इशू आता है ना गेम खेलने के टाइम पे या फिर कुछ भी करने के टाइम पे, सारा कुछ सही हो जाने वाली। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आखिरी में वो ट्रिक वाला बताने वाला हूँ 5G फोन वालों के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। भाई आपका भी ऐसा होता है कि आप जब भी भाई और कुछ भी दूसरा एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चला दे वो भी तो सही चलती है, पर बाद में आप जब भी आप गेम खेलने जाओ तो आपका गेम अच्छे से नहीं चल पाती है। तो उसको लिए आपको सिंपल से अपने फ़ोन के सेटिंग पर आपको चले जाने, सिंपल से सेटिंग पर अपने फ़ोन में जैसे ही जाओगे आपको भाई अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर जो नेटवर्क एंड जो से मोबाइल डाटा देखने को मिलती है हर एक फ़ोन में ऐसा होगा पर कुछ नाम अलग होगा, तो आपको ऐसे ही कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर चले जाने। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी सिम 1 या फिर सिम 2 में जो जी सिम दिए हो उसके अंदर चले जाने। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम देखने को मिल जाए या फिर APN सिंपल से लिखा होगा इधर आ जाने। आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एड न्यू APN होगा तो उसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। और भाई यहाँ पर आपको थोड़ा नया का APN सर्वर अपना क्रिएट करना है जिसके वजह से आपका इंटरनेट जो गेम के लिए वो बहुत ज़्यादा सही होने वाली है, आपका इंटरनेट का कुछ भी दिक्कत वाली नहीं आएगी। देखो ऐसा वैसा APN नहीं है, लिटरली काम करती है, मैं खुद ट्रिक को अप्लाई किया हूँ, मैं खुद भी इसी APN को यूज़ करता हूँ, तो भाई एक बार ट्राई कर लेना। तो जैसे जैसे दे रहा हूँ आपको भी वैसे करना है। नेम पे आपको जियो इंटरनेट प्रॉम्प्ट देना है, कैपिटल जैसे दे रहा हूँ वैसे देना है, और स्मॉल जो जहाँ पर स्पेस दिया हूँ वहाँ पर भी एग्जैक्ट वही करना है, JIP आपको कैपिटल करना है और बीच बीच में स्पेस रखना है। उसके बाद APN के अंदर आपको यहाँ पर JioNet.आपको लिखना है, सॉरी आपको जियो ही लिखना है, जियो नेट पूरा पूरा स्मॉल में, और यहाँ पर आपको यूजर नेम है speedboat.accelerated आपको यही लिखना है। भाई मैं आपको जैसे लिख रहा हूँ मतलब कैपिटल हो स्मॉल हो जहाँ जहाँ पर कैपिटल स्मॉल लिख रहा हूँ आपको एग्जैक्टली वही लिखना है, नहीं तो आपका जो इंटरनेट अच्छा खासा चलने के वजह आपका बहुत ही ज़्यादा बेकार चलेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख लेनी है, आपको मैं जाओ जहाँ पर ठीक जैसे कर रहा हूँ आपको वैसे ही कर देना है। उसके बाद आपको सर्वर पर आपको करना है www.jio.com, यहाँ पर सारे के सारे स्मॉल में ही रहेगा। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप पर आपको नॉन देखा होगा, उसके आपको नीचे वाला जो है भाई उसको आपको कर देना है PAP and CHAP। उसके ऊपर करने के बाद आपको भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे जो APN टाइप है यहाँ पर आपको डिफॉल्ट लिख देना है, बिना स्पेस के बिना कुछ भी दिए के आपको पूरा पूरा स्मॉल में लिख लेना है। उसके बाद APN प्रोटोकॉल पे आपको जाके यहाँ पर आपको IPv20/IPv4/6 कर देना है, दोनों को आपको ऐसा ही करना है, रोमिंग को भी और APN प्रोटोकॉल को। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जो देखने को मिल रहा है अनस्पेसिफाइड इसके अंदर भी चले जाने हैं, यहाँ पर मैं आपको जो जो टिक करके दिखा रहा हूँ उसको आपको ऑन टिक करना है, और भाई इसको पहले ऑन टिक कर दो। उसके बाद LTE HSPA इसको टिक करो, और यहाँ पर UMTS और EDGS एंड उसके बाद जो नीचे था उसको ऑन करके आपको ओके करके सेव कर देना है। यहाँ पर जाना है 3 डॉट के अंदर सेव करना है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक एक बार कर देना है, जियो इंटरनेट जो प्रॉम्प्ट आया उसके ऊपर एक क्लिक करके आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, मतलब स्विच ऑफ करके ऑन करना है, नहीं तो ये काम अच्छे से नहीं करेगा। इस चीज़ को एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद आप जाके मैं आपको इंटरनेट स्पीड आपको दिखा देता हूँ मेरा, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सही आ रहा है। अगर भाई आपको ये सारे चीज़ करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिंपल से क्या करना है, मतलब 5G फोन है तो आपको 5G फोन को 5G नेटवर्क को 4G करके गेम को खेलना है। उस टाइम पर आपका गेम खेलने के टाइम पर तो आपका सही चलने वाला है, जब आप गेम खेल रहे हो उस टाइम पर आपको 4G से 5G कर देना है और आपका सही चलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगी कैसे करना है क्या नहीं। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई है तुम्हारे हेल्प के लिए। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सिर्फ पहली बार चौंक हौसर करना, मिलते हो किसी मजेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए गुड डे, बाय।